हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 5 यानी पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हम समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। दिया गया है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित होते हैं उस तरह के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा वन्य प्राणी अभयारण्य। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। फिर आगे दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस तरह के स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। अब है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जो प्रवासी पक्षी होते हैं वे सुदूर क्षेत्रों से जलवायु में परिवर्तन होने के कारण पलायन करते हैं। अब प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिया गया है वन्य प्राणी उद्यान एवं जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर है यह हमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे वन्य प्राणी उद्यान एवं जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। टेबल के एक तरफ हम लिखेंगे वन्य प्राणी उद्यान और दूसरी तरफ लिखेंगे जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहां वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वन्य प्राणी उद्यान वैसे क्षेत्र हैं जहां वन्य जंतु अपने प्राकृतिक आवास में प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, लेकिन जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है ये वह क्षेत्र है जहां वन्य जीवन पौधे और जंतु तथा उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं। वन्य प्राणी उद्यान के उदाहरण हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं पंचमढ़ी जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अब है प्रश्न ख, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में क्या अंतर है यह हमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ लिखेंगे चिड़ियाघर और दूसरी तरफ लिखेंगे अभयारण्य। चिड़ियाघर वह स्थान है जहां प्राणियों को कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है, जबकि अभयारण्य वह स्थान है जहां वन्य जंतु अपने प्राकृतिक आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। चिड़ियाघर के उदाहरण है दिल्ली का चिड़ियाघर। इसी प्रकार अभयारण्य का उदाहरण है राजस्थान का सरिस्का बाग अभयारण्य। अब है प्रश्न ग, जिसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज के मध्य। इसका उत्तर लिखेंगे संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज में निम्नलिखित अंतर है। संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज। संकटापन्न स्पीसीज वैसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह की स्पीसीज अभी विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। निकट भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह के स्पीसीज को ही संकटापन्न स्पीसीज कहा जाता है। इन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर विलुप्त स्पीसीज की बात की जाए तो ये प्रजातियां अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो संकटापन्न स्पीसीज का उदाहरण है बाघ,
जंगली भैंस आदि, ये सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं और आने वाले भविष्य में ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे, अतः इन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विलुप्त स्पीशीज की अगर उदाहरण दी जाए तो इसका उदाहरण है डायनासोर। एक समय पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन अब पृथ्वी पर ये प्रजातियां मौजूद नहीं है, अर्थात यह एक विलुप्त स्पीशीज का उदाहरण है। अब है प्रश्न घ, जिसमें हमें अंतर बताना है वनस्पति जात एवं प्राणी जात के मध्य। उत्तर लिखेंगे, वनस्पति जात एवं प्राणी जात में निम्नलिखित अंतर हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। वनस्पति जात क्या है? किसी विशेष क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे को वनस्पति जात कहा जाता है। इसी प्रकार प्राणी जात क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जितने सारे जीव जंतु पाए जाते हैं उन सारे जीव जंतु को सम्मिलित रूप से उस क्षेत्र के प्राणी जात कहे जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आम, जामुन, बरगद, साल इत्यादि वनस्पति जात के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी पेड़ पौधे हैं। इसी प्रकार प्राणी जात के उदाहरण हैं हिरण, भेड़िया, कुत्ता, बाघ इत्यादि। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 3। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। दिया गया है वन्य प्राणी, पर्यावरण, गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र, शहर यानी शहरी क्षेत्र, पृथ्वी और अगली पीढ़ी। धीरे धीरे वन और जंगल कट रहे हैं, इसे वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन के कारण हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह हमें लिखना है। इसमें कुछ चीज दी गई है, जैसे कि वन्य प्राणी, पर्यावरण इत्यादि, इन सभी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह हमें बताना है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर प्रभाव। वनों की कटाई से वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे अनुकूल आवास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव जो है वह यह है कि जैसे जैसे वन और जंगल कट रहे हैं, जो वन्य प्राणी हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, इनका जो प्राकृतिक आवास है वह नष्ट हो रहे हैं। इससे वे अनुकूल आवास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वनोन्मूलन से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वे प्रजनन नहीं कर पाएंगे और उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। चूंकि हर जीव जंतु को रहने के लिए प्रकृति ने एक विशेष प्रकार के आवास की व्यवस्था की है, लेकिन उनके आवास जब नष्ट हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वे प्रजनन नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उनकी प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त होने लगती है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव। वृक्षों की कटाई होती है तो इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और प्रदूषण में वृद्धि होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जैसे जैसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, पृथ्वी का तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगती है, और पृथ्वी के तापमान की इसी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलने लगता है और समुद्र के जल स्तर ऊंची होती चली जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलने लगेगा और यह समुद्र के जल स्तर को ऊंचा उठाएगा। इससे तटीय क्षेत्र डूब जाती है, जिससे जन धन की अपार क्षति होती है।
इसके अलावा पर्यावरण हमारे रहने के अनुकूल नहीं रहता है। इस प्रकार वृक्षों की कटाई पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव डालता है। वनोन्मूलन का गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव। वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हमें जानना है। मृदा का अपने मूल स्थान से हट जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। वृक्षों की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को पकड़कर रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। लेकिन वृक्षों की संख्या जैसे जैसे घटती जाएगी, मृदा अपरदन अधिक होता जाएगा। मृदा की ऊपरी परत के हट जाने से ह्यूमस की कमी हो जाती है, जिससे उपजाऊ भूमि का अभाव होने लगता है। मृदा की जो ऊपरी परत होती है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। लेकिन मृदा अपरदन जब होता है, यानी मृदा का जब कटाव होता है, मृदा अपने मूल स्थान से हट जाता है, तो ऐसी स्थिति में ह्यूमस की कमी होने लगती है मिट्टी में, और इससे क्या होता है? मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यह कम होने लगती है। इसके अलावा वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता काफी कम हो जाती है। मिट्टी की एक क्षमता होती है जल को धारण करके रखने की, लेकिन वृक्षों की कटाई होने से मृदा की जो जल धारण क्षमता है, ये कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि मृदा के कण जल को धारण करके रख नहीं पाती है ज्यादा लंबे समय तक। ऐसी स्थिति में हमें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इन सब का सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है और कृषि पैदावार काफी कम हो जाती है। इस प्रकार वृक्षों की कटाई से ग्रामीण क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर रहती है, इसलिए वनोन्मूलन का ग्रामीण क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लिखेंगे कि शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृक्षों की कटाई से शहरी क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र पर वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव प्रदूषण का होता है, क्योंकि शहर में प्रदूषण का स्तर ऐसे ही अधिक होता है, और जैसे जैसे वृक्षों की कटाई होती है, शहरी क्षेत्र पर प्रदूषण की स्थिति और ही भयानक हो जाती है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से शहर की वायु अत्यंत जहरीली हो जाती है। वृक्षों की कटाई से प्रदूषण की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर वृक्षों की उपस्थिति के कारण ही यह सभी जीवों के रहने के लिए एक अनुकूल स्थान है। हमारी पृथ्वी जीवों के रहने के लिए एक अनुकूल स्थान प्रदान करती है, और यह इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर वृक्षों की संख्या काफी अधिक है। परंतु वनोन्मूलन से पृथ्वी की पर्यावरण बुरी तरह नष्ट हो जाएगी। हर दिन वृक्षों की कटाई हो रही है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की जो अनुकूलता है, जो हमारे अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है, यह धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। वृक्षों के कारण ही पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। वनोन्मूलन के कारण समय पर एवं सही मात्रा में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा को लाने के लिए वन की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वृक्षों की कटाई होने के कारण वर्षा की मात्रा में दिनों दिन कमी हो रही है। साथ ही पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है और प्राकृतिक आपदाओं का कहर बढ़ने लगता है। इस प्रकार वनोन्मूलन से पृथ्वी के संतुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब लिखेंगे अगली पीढ़ी पर प्रभाव। वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वनस्पति के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर पृथ्वी पर वन होंगे, तभी यहां हमारी अस्तित्व हो सकती है। मनुष्य तेजी से जंगलों को साफ कर रहा है, जिससे हमारी अगली पीढ़ी असुरक्षित हो रही है। अगली पीढ़ी के लिए प्रदूषण युक्त वातावरण होगा, जहां जीवन अत्यंत कठिन होगा।
पृथ्वी हमारे रहने के लिए अनुकूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, लेकिन मनुष्य तेजी से जंगलों को साफ कर रहा है। इससे क्या होगा, हमारी जो अगली पीढ़ी है यह धीरे धीरे असुरक्षित होती चली जाएगी और अगली पीढ़ी के लिए हम एक प्रदूषण युक्त वातावरण देंगे जहां जीवन अत्यंत कठिन होगा। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 4। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? इसका उत्तर लिखेंगे, वृक्षों की कटाई से निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। जब वृक्षों की कटाई होगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और हमें ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। लेकिन वृक्षों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती चली जाएगी। अगला है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब हम वृक्षों की कटाई करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी पृथ्वी के जो औसत तापमान है इसमें वृद्धि होगी और इस वृद्धि के कारण हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ जाएगी। वर्षा की मात्रा में कमी आती है और जल चक्र प्रभावित होती है। वर्षा लाने में जंगलों का विशेष महत्व है। जब जंगलों की कटाई होगी तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी और वर्षा की मात्रा में जब कमी आएगी तो यह सीधे सीधे जल चक्र को प्रभावित करेगी। अगला जो परिणाम है वह है मृदा अपरदन का। मृदा का अपने मूल स्थान से हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है और मृदा अपरदन के कारण भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी, जहां फसलों की पैदावार बहुत ही कम होगी। आवास के नष्ट होने से वन्य प्राणी विलुप्त होते चले जाते हैं। प्रकृति ने सभी जीवों के रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण मुहैया कराई है, लेकिन वृक्षों की कटाई होने के कारण, जंगलों के साफ होने के कारण वन्य प्राणी के जो प्राकृतिक आवास हैं ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और ये वन्य प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर चले जाते हैं। इसके अलावा अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होगी। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आदि वृक्षों की कटाई का ही परिणाम है। फिर आगे पूछा गया है, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? उत्तर लिखेंगे, जंगलों में मानवीय गतिविधियों से जंतु का आवास बाधित होता है, अतः जंतु सुरक्षित आवास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जंतु प्रजनन क्रिया नहीं कर पाते और उनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे जंगलों की कटाई हो रही है, जंतु का जो प्राकृतिक आवास है वह नष्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जंतु सुरक्षित आवास की तलाश में भटकते रहते हैं और इस परिस्थिति में वे प्रजनन क्रिया नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। अब प्रश्न गांव में पूछा गया है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो नीचे की कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगेगी। चूंकि दिनों दिन वृक्षों की कटाई हो रही है, इससे मृदा अपरदन हो रहा है, यानी मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो रही है। अगर इस तरह की प्रक्रिया होती चली जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी के नीचे कंकड़ और पत्थर दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाएगी और भूमि बंजर हो जाएगी। इस प्रकार भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी, जिससे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 5, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, इस पृथ्वी पर सभी तरह के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। सारे जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पर्यावरण में संतुलन बने रहने के लिए सभी प्रकार के प्रजातियों का रहना अति आवश्यक है।
हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में एक तरह का पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मध्य एक संतुलन का होना अति आवश्यक है। बिना इस संतुलन का जीवन संभव नहीं है। अतः हमें जीव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न ख में पूछा गया है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? उत्तर लिखेंगे, संरक्षित वन के आसपास रहने वाले लोग वन क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण करके इन्हें नष्ट करते रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि संरक्षित वन के आसपास रहने वाले लोग अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से वनों का अतिक्रमण करके पेड़ों को काटते हैं और वनों को नष्ट करते रहते हैं। वे वन से अवैध तरीके से सामग्रियां प्राप्त करते रहते हैं। अतः संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। प्रश्न ग है, कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? उत्तर लिखेंगे, आज के आधुनिक सभ्यता में भी हमारे कुछ आदिवासी भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों पर आश्रित होते हैं। एक और जहां हम दिनों दिन सभ्य होते जा रहे हैं, हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, वहीं हमारे कुछ आदिवासी भाई भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जीवन जी रहे हैं कि वे पूर्ण रूप से जंगल पर यानी वनों पर आश्रित होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों का भ्रमण करते रहते हैं। वे शिकार कर अपना पेट भरते हैं और पेड़ की छाल, जंतुओं की खाल आदि से बने कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। प्रश्न घ, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? क्या कारण है कि वनों की कटाई हो रही है और वनों की कटाई के क्या प्रभाव है, यह हमें लिखना है। उत्तर लिखेंगे, कृषि भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखानों का निर्माण करना, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है। कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है। लोग अपना घर और कारखाना स्थापित करने के लिए भी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, वनों की क्षेत्र कम होती जा रही है। वनों में लगने वाले आग के कारण भी वनों को नष्ट पहुंचाया जा रहा है। दावानल क्या है? जंगल में लगने वाली आग को ही दावानल कहा जाता है। इसी प्रकार भीषण सूखा आदि भी वनोन्मूलन के कारण हैं। प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, विश्व उष्णन, पर्यावरण असंतुलन आदि वनोन्मूलन के प्रभाव हैं। वनों की कटाई से जो प्रमुख प्रभाव है वह इस प्रकार है कि इसके कटाई से प्राकृतिक आपदा आती है। जंगलों की कटाई से प्रदूषण बढ़ती है। इसके कारण मरुस्थलीकरण होता है, यानी जो उपजाऊ भूमि है ये धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होने लगती है। पेड़ पौधों की कटाई के कारण विश्व उष्ण हो रही है, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ पर्यावरण में एक तरह का असंतुलन भी पैदा हो रहा है। इस प्रकार वनोन्मूलन के बहुत से बुरा प्रभाव है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? उत्तर लिखेंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है उन्हें संकटापन्न स्पीशीज कहा जाता है। इस तरह के स्पीशीज का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसी पुस्तक को ही रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। पौधों, जंतुओं और वन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। प्रश्न च, प्रवास से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, पक्षियों की कुछ प्रजातियां प्रत्येक वर्ष ठंड से बचने के लिए लंबी दूरी तय करके सुरक्षित प्रदेशों में चले जाते हैं।
हमारी पृथ्वी में बहुत से ऐसे पक्षियों की प्रजातियां हैं जो विभिन्न मौसमों में अलग-अलग स्थान पर निवास करते हैं। वे प्रत्येक वर्ष ठंड से बचने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करके सुरक्षित प्रदेशों में चले जाते हैं। मौसम अनुकूल होने पर ये वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों का एक क्षेत्र से बहुत दूर अन्य क्षेत्रों में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, हमें यह बताना है कि क्या वनों की कटाई न्यायसंगत है। इस पर हमें एक लेख लिखनी है और हमें एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी तैयार करनी है। आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थिति में आवास निर्माण और फैक्ट्रियां स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवास का निर्माण, सड़क का निर्माण और फैक्ट्रियां स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को साफ कर भूमि तैयार की जाती है। चूंकि भूमि की जो मात्रा है वह निश्चित है, इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जंगलों को साफ कर रहा है और भूमि तैयार कर रहा है, और इसी भूमि में फैक्ट्रियां, सड़क, गृह निर्माण इत्यादि कार्य को पूरा कर रहा है। ऐसा करना हमारी मजबूरी भी है। दूसरी ओर जंगलों की कटाई के गंभीर परिणाम भी सामने आ रही है। इससे प्रदूषण में वृद्धि, अनियमित वर्षा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, मरुस्थलीकरण एवं अन्य समस्याएं हमारे सामने चुनौती बन चुकी है। जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है, हमारे सामने अनेक तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, वर्षा समय पर नहीं हो रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, वृक्षों की कटाई से मरुस्थलीकरण हो रहा है, साथ ही साथ अनेक तरह की पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने बन रही है। अतः इन परियोजनाओं के कोई अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वृक्षों की कटाई की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर से क्या योगदान दे सकते हैं, यह हमें लिखना है। आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। हम अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में निम्न क्रियाओं की सहायता से योगदान दे सकते हैं। स्थानीय बच्चों की सहायता से अपने आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाकर। हमारे अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जो खाली हैं। ऐसे खाली क्षेत्रों में हम अपने स्थानीय बच्चों की सहायता से पौधे लगाकर हरियाली बनाए रख सकते हैं। विशेष अवसर जैसे शादी, जन्मदिन आदि पर पौधे उपहार देने की परंपरा की शुरुआत कर। हम ऐसा भी परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि शादी, जन्मदिन इत्यादि पर लोगों को पौधे उपहार दिए जाएं। ऐसा करके हम अपने आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर। बहुत से पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि जागरूकता की कमी होती है। इसीलिए वृक्षों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक कर हम अपने आसपास हरियाली बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधे एवं वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देकर भी हम हरियाली को बरकरार रख सकते हैं। वन महोत्सव मनाकर भी हम हरियाली को बचाए रख सकते हैं। अब प्रश्न है,
वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वृक्ष वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प मुक्त करते हैं। पौधों की पत्तियों से जल का लगातार ह्रास होता है और यह जल वाष्प के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह जल वाष्प वायुमंडल में नमी की मात्रा को बढ़ाती है, जो वर्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। अगर जंगलों की संख्या अधिक होगी तो पेड़ पौधे अधिक होंगे। ऐसी स्थिति में पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यह अधिक होगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वायुमंडल में नमी की मात्रा भी अधिक होगी। साथ ही वृक्षों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अगर वृक्षों की कटाई लगातार करते जाएं हम, तो क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में इसी वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जो वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती है। जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी, यह वर्षा पैटर्न को प्रभावित करेगी, जिसके कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। अतः वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी होती है। अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको सूचना एकत्र करना है और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति को दर्शाना है। चलिए हम मान लेते हैं, जैसे कि मेरा राज्य है झारखंड, तो हम झारखंड के संदर्भ में ही इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लिखेंगे, भारत के झारखंड राज्य में लातेहार और पलामू जिला क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के मानचित्र में इसकी स्थिति निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम भारत का रेखा मानचित्र बनाएंगे और इसमें हम चिन्हित करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड को। इसी प्रकार आप अपने राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको भी चिन्हित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कागज के उत्पादन के लिए वृक्षों को काटा जाता है। जिस कागज का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाने के लिए काफी संख्या में वृक्षों और घासों को काटा जाता है। कागज उद्योगों में जल, ऊर्जा और हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है। अतः वृक्षों, जल और ऊर्जा बचाने एवं हानिकारक रसायनों का कम उपयोग हेतु हमें कागज की बचत करनी चाहिए। चूंकि कागज उद्योग में क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में जल, ऊर्जा और हानिकारक पदार्थ का उपयोग होता है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव पड़ता है और हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसीलिए वृक्षों को जल और फिर ऊर्जा बचाने के लिए तथा हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें कम कागज का उत्पादन करना होगा। इसके लिए हमें कागज का उपयोग भी कम से कम करना होगा। निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। पहला है कागज का पुनः चक्रण, जो कि लगभग 5 से 7 बार संभव है। जो कागज का हमने इस्तेमाल कर लिया, इस कागज का उद्योग में पुनः चक्रण संभव है और यह पुनः चक्रण की क्रिया लगभग 5 से 7 बार तक की जा सकती है। ऐसा करने से हमें नए कागज का उत्पादन नहीं करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम होता है। इसीलिए जहां तक हो सके हमें कागज का पुनः चक्रण करना चाहिए। कागज का पुनः उपयोग, कोई भी एक कागज का अगर 1 से अधिक बार उपयोग संभव हो तो उससे हमें उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक खर्च को रोकना, अक्सर देखा जाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कार्यालयों में कागज का अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं, जिससे हमें रोकना होगा। लोगों में जागरूकता फैलाना,
चूंकि कागज की बर्बादी लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण भी होती है, इसीलिए कागज को बचाने की जागरूकता अभियान लोगों के मध्य चलानी चाहिए। अब है अभ्यास का प्रश्न संख्या 11। दिए गए शब्द पहेली को पूरा कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिए जाएंगे जिसमें खाली पड़े बक्सों को वर्णों से भरकर हमें शब्द बनाना है। शब्द बनाने के लिए जो दिशा निर्देश है वह इस प्रकार है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम खानों को भरेंगे तो हमें कैसे भरना है? एक नंबर में विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक का नाम लिखना है। दो नंबर में पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं लिखनी है। इसी प्रकार जब हम शब्दों को बाएं से दाएं ओर भरेंगे तो दो नंबर में पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं उसका नाम लिखेंगे। तीन नंबर में विलुप्त हुई स्पीसीज लिखेंगे और चार नंबर में एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीसीज लिखेंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न में किस तरह का टेबल हमें दिया गया है। प्रश्न में दिया गया टेबल इस प्रकार है। इसमें विभिन्न खानों में हमें वर्णों को भरकर शब्द पहेली को पूरा करना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं। शब्द पहेली को पूरा करने से पहले आइए एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। इसमें लिखा है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे तो एक नंबर में हमें क्या लिखना है? विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक में विलुप्त स्पीसीज की सूचना होती है। अब आइए शब्द पहेली को पूरा करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक नंबर वाले वक्स में रे लिखा हुआ है। इसी को ऊपर से नीचे की ओर भरते हुए हमें रेड डाटा पुस्तक पूरा करना है। इस प्रकार इसको हम भरेंगे और लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक। इसी प्रकार प्रश्न को हम फिर से देखेंगे। उसमें लिखा है ऊपर से नीचे की ओर जब हम भरेंगे तो दूसरे नंबर में लिखेंगे क्या? पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। इससे क्या कहा जाता है? इसे जीव विविधता कहा जाता है। इस टेबल में बॉक्स नंबर 2 से ऊपर से नीचे की ओर भरते हुए हमें जीव विविधता शब्द को पूरा करना है। इस प्रकार हम पूरा करेंगे जीव विविधता। प्रश्न को आप फिर से देखें और इसमें लिखा है कि बाएं से दाएं ओर जब हम भरेंगे तो दूसरे नंबर वाले वक्स से शुरू करते हुए हम क्या भरेंगे? पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे जीव मंडल कहा जाता है। इस प्रकार बॉक्स नंबर 2 से हम बाएं से दाएं ओर भरते हुए जीव मंडल शब्द को पूरा करेंगे। इस प्रकार हम लिखेंगे जीव मंडल। प्रश्न को फिर से देखेंगे और इसमें तीसरे नंबर में हमें भरना है। बाएं से दाएं ओर जब हम भरेंगे तो हम लिखेंगे विलुप्त हुई स्पीसीज। चूंकि विलुप्त हुई स्पीसीज को संकटापन्न स्पीसीज कहा जाता है, इसलिए वक्स नंबर 3 से हम बाएं से दाएं ओर भरते हुए संकटापन्न शब्द को पूरा करेंगे। इस प्रकार हम लिखेंगे संकटापन्न। फिर से प्रश्न देखेंगे और इसमें लिखा है कि बाएं से दाएं ओर जब हम भरेंगे तो चौथे नंबर वाले वक्स से हम भरेंगे एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले स्पीसीज, जिसे क्या कहा जाता है? विशेष क्षेत्री। तो अब हम क्या करेंगे? बॉक्स नंबर 4 से बाएं से दाएं ओर भरते हुए विशेष क्षेत्रीय शब्द को पूरा करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रश्न में जो हमें टेबल दिए गए थे इसमें सारे खाली पड़े बक्सों को हमने भर लिया और इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।